types are placed at the vertex corner of the square. The relation between capital V for the potential at the center of a square is zero. ये जो question है वो काफ़ी बार इस type के question पूछे जाते हैं और बनते भी हैं electrostate में. क्या concept है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इसके पीछे जो concept involved है वो है potential due to point charge. तो यहाँ पर मैंने माइनस क्यू रखा, यहाँ पर मैंने स्मॉल क्यू रखा, यहाँ पर मैंने टू प्लस क्यू रखा और यहाँ पर मैंने टू कैपिटल क्यू रखा. तो सेंटर पर पोटेंशियल जीरो कर दिया हमने. यहाँ जो सेंटर है स्क्वायर का जो सेंटर है उसके सेंटर पर जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो. नेट पोटेंशियल किसका होगा? इन चारों का होगा. ये भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगा, ये भी यहाँ बनाएगा, ये भी यहाँ बनाएगा, ये भी बनाएगा. इन चारों का पोटेंशियल जीरो है ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है. तो हमें स्मॉल की और कैपिटल की में रिलेशन निकालना है ना. इसको पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज है, अब आप यहाँ पे प्लस चार्ज है और आर डिस्टेंस पर कितनी पोटेंशियल होती है? यार पोटेंशियल होती है प्लस के क्यू ओवर आर. प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस लिखते हैं, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस लिखते हैं. अब देखो चारों का डिस्टेंस तो बराबर है यार. ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस एक्स इज इक्वल फॉर और फोर पॉइंट चार्ज, ये एक्स है. तो इन चारों के लिए तो डिस्टेंस इक्वल है मेरे भाई. तो अगर इन चारों के लिए पहले तो एक्स निकाल लो. तो अगर स्क्वायर की साइड ये जो साइड है वो ए हो गई तो ए भी ए ही होगी. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डायगोनल कितना हो जाएगा? तो डायगोनल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए रूट टू, क्योंकि ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये तो बात सबको पता होगा. तो ये जो एक्स है वो तो डायगोनल का आधा है. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायगोनल का आधा ए रूट टू बाई टू. इसका मतलब ये हुआ कि ये बाई रूट टू, दिस इज द एक्स. और ये चारों के लिए इक्वल है. अब चलो ये फार्मूला इन चारों के लिए लगा दो और समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो कर दो. तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर जीरो है. तो पहले मैं लिखता हूं किसका किसका. एक ऊपर गायब हो गया, गायब नहीं होना चाहिए. चलो सभी का लिखता हूं. माइनस कैपिटल क्यू का लिखूं तो माइनस के कैपिटल क्यू उन सभी का डिस्टेंस एक्स. चलो इसका लिख दिए माइनस के स्मॉल क्यू, इसका डिस्टेंस एक्स है. वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी. इसका लिखो प्लस टू कैपिटल स्मॉल क्यू, डिस्टेंस एक्स है. यहाँ से ये डिस्टेंस प्लस टू कैपिटल क्यू डिस्टेंस एक्स, दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो. चारों का पोटेंशियल मैं जोड़ लिया लीनियर सम और यहाँ से मैं रिलेशन निकाल लूँगा. एक्स गायब हो गया, क्यू भी के भी गायब हो गया. तो यहाँ बचा माइनस क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू कैपिटल क्यू, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ बना प्लस कैपिटल क्यू और प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू. दिस इज द रिलेशन. तो देख लेते हैं कौन सा सही है. ए ऑप्शन हम लोग का सही है. जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो यार. ये कहता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब. अगर एक हम लोग पास क्यूब है